मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहूं। माँ तुम भी उन्हीं की तरह बोल रही हो, आखिर हमारी गलती क्या है माँ? जब हम दोनों एब्रॉड सेटल होना चाहते थे तब आप दोनों ने खुशी से सहमति दी थी ना? माँ आप ही लोग चाहते थे ना कि हम लोग अच्छी पोजीशन पर पहुँचे। सुन लो, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पोजीशन पर रहें, नाम कमाएं, पर कितनी ऊंचाई पर? कितनी ऊंचाई पर? माँ बाप को बच्चे दिखाई न दे इतनी ऊंचाई पर? प्लीज पापा, हम लोग आ नहीं पाते हैं इसलिए तो व्हाट्सएप पे फोटोज भेजते हैं, स्काइप पे बातें करते हैं। बेटा थाली में खाना देखते रहने से पेट नहीं भरता, खाना पड़ता है। पिताजी ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते, लेकिन टाइम ही नहीं है। बहू, दो दिन तक तुम्हारे बेटे का फोन नहीं आया था तो तुम कितनी बेचैन हो गई थी, याद करो ना तुम। हाँ, तुम लोगों को इतने प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया और तुम मुझे ये दिन दिखा रहे हो। देखो कंप्यूटर के बीच जी रहे तुम्हारे बच्चे तुम्हें कैसे देखेंगे वो सोचो। माँ बाप को अपने बच्चों के आने का इंतजार खुशी से करना चाहिए, दुखी होकर नहीं। संक्रांति पर आओ, 10 दिन हमारे साथ रहो, वो 10 दिन की खुशी में हम पूरे साल तुम लोगों की यादों में ही गुजार देंगे। पर तुम लोग आओगे कि नहीं आओगे, हमारे जिंदा रहते आओगे कि नहीं आओगे, वो दुर्भाग्य बन गया है हमारे जैसे माँ बापों का। हमारे हेडमास्टर प्रकाश राव मर गए थे, उनके बच्चे विदेश से नहीं आए, उनका दाह संस्कार किया जाए या नहीं, और फिर अनाथों की तरह उनकी लाश को शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। कल की पूजा में पंडित ने क्या आशीर्वाद दिया कि 100 साल जियो। जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता है, और वो जीवन तभी मिल सकता है जब अपनों के साथ खुशी खुशी से जिया जाए तब। और अगर ऐसे ही जीना है तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। पापा हम लोग का भी दिल करता था कि आपके पास आए, लेकिन टाइम नहीं है ना बेटा, हर तीसरे महीने के बाद मौसम बदलता है। जो तनख्वाह देता है उसके लिए 4 घंटा ज्यादा देने के लिए टाइम है, और जो तुम्हारे लिए आज जिंदा है उनके लिए साल के 4 दिन भी नहीं। बेटा अब हम लोग 5 या 10 साल तक और जिएंगे। बेटा तुम लोग साल में अगर एक बार भी आओ तो अपनी बची खुची जिंदगी में हम लोग 5 या 10 बार और देख पाएंगे। वो मौका तो कम से कम हमें दे दो।